दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें, यह एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है और लगभग हर एक दिवसीय परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि अभाज्य संख्या को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं और कैसे जानेंगे कि कौन संख्या अभाज्य है। तो एक तो तरीका यह है कि आपको याद रहे, तो ये तो संभव है नहीं कि सारी संख्याएं याद रहेंगी। फिर क्या तरीका है, चलिए इस पर बात करते हैं। और उसके पहले बात करते हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो अभाज्य संख्या को आप जान रहे हैं, अंग्रेजी में प्राइम नंबर भी कहते हैं, प्राइम नंबर। और इसका एक और नाम है हिंदी में रूढ़ संख्या। और इसका एक और नाम है हिंदी में प्रधान संख्या। और अभाज्य संख्या ये तो है ही है। तो इतने नामों से ये जानी जाती है। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? HCF यानी मौसप के तुलना में बात करें, या मौसप के संदर्भ में, या इसके कंटेक्स्ट में बात करें, या फैक्टर्स के रूप में बात करें, तो जिन संख्याओं के केवल दो फैक्टर्स हों, जिन संख्याओं के केवल दो फैक्टर्स हों, और वो कौन कौन हो, वन हो और वो खुद संख्या, खुद वह संख्या, तो ऐसी संख्याओं को जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं वो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाती है। या ऐसी संख्या जिसको केवल एक या खुद वह संख्या डिवाइड करती है, ऐसी संख्याओं को भी प्राइम नंबर कहते हैं। तो यह संख्या की शुरुआत होती है दो से, दो के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, और इस तरह से ये संख्याएं मिलती हैं। तो इसमें आप देखिए कि एक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, या एक एक से ये संख्या शुरू नहीं है। तो एक न तो प्राइम है और न तो कंपोजिट है, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। तो एक न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर, एक इन दोनों से अलग है। तो वास्तव में जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, ये तीन पार्ट में बांट दी गई है। पहला पार्ट है प्राइम नंबर, दूसरा पार्ट में सिर्फ एक अकेले है, और तीसरे पार्ट में है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या है? ये दो से शुरू है, दो, तीन, पांच, सात, और इस तरह से ये आगे चल रहा है, एक ये निकल ही गया। कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर चार होता है। कंपोजिट माने भाज्य संख्या, और इसको संयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो चार के बाद देखिए छह आता है, छह के बाद आठ, फिर नौ, नौ के बाद दस, और इस तरह से चलता है। तो जो भाज्य संख्या है वो इवन और आड दोनों हो सकती है, इवन भी हो सकती है और आड भी हो सकती है। और जो प्राइम नंबर है, दो को छोड़कर सारे प्राइम नंबर आठ हैं, दो को छोड़कर सारे प्राइम नंबर आठ हैं, यानी विषम संख्या है। तो एक से लेकर के और सौ तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, एक से लेकर सौ तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, एक से लेके 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं, और एक से लेके 25 तक में
कुल 9 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं और 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्याएं। तो आपको मालूम हो गया कि 50 के बाद यानी 51 से लेकर 100 तक में केवल 10 अभाज्य संख्याएं, 51 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं। तो सबसे ज्यादा अभाज्य संख्याएं 1 से 25 के बीच में है, 9 है, और 1 से 50 यानी 25 से लेके 50 के बीच में 6 केवल हैं, और 51 से 100 के बीच में मात्र 10 है। तो ये तो कुछ हम लोगों के बीच की ये प्राइम नंबर्स थी। अब 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेके 100 तक में 25 तो प्राइम नंबर हो गई, 1 निकल गया, 99 बचा, तो 25 प्राइम नंबर हुई और 25 में से 74 ये भाज्य संख्या बचेगी, और 74 और 25 जोड़ने पर देखिए ये 99 होना चाहिए क्योंकि 1 इसमें से निकल गया। तो 74 भाज्य संख्याएं हैं और 25 अभाज्य संख्याएं। तो ये तो भाज्य और अभाज्य की बात हो गई। अब मैं असली मुद्दे पर आता हूं जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि अभाज्य संख्या अगर कोई दी है, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में है, तो कैसे हम पहचानेंगे। तो आइए अब इस पर बात करते हैं, मैं इसे मिटा लेता हूं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। तो यहां पर ये संख्याएं दी गई और ये 119 सबसे बड़ी संख्या है। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या 119 है। तो 119 के आसपास एक ऐसी संख्या खोजेंगे जिसका वर्ग 119 के आसपास हो। तो देखिए 11 है और 11 का वर्ग 121 होता है, यानी 11 के वर्ग 121 होता है और 121 के आसपास ये 119 है। तो 11 या 11 से नीचे की संख्याओं से ये चेक करेंगे सारी चीजें। तो 11 है, 11 के नीचे 7 है अभाज्य संख्या, 5 है, 3 है और 2 है। ये इन संख्याओं का जो ये ऑप्शन दी गए इनका हम लोग डिवीजन चेक करेंगे, भाज्यता डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या कोई संख्या कट रही है। तो देखिए ये जो 69 है, ये 9 और 6 15 हुआ, ये 3 से कट जाएगी, तो 23 तिया 69 होता है, तो ये भाज्य संख्या होगी नहीं। ये 91 है, 13 सात 91 होता है, ये भी भाज्य संख्या होगी। ये 97 है, 97 जानते हैं हम लोग कि ये प्राइम नंबर है। 119 कट जाएगा 17 गुणे 7 में, 17 सात 19 से। तो ये सारी संख्याएं भाज्य हो गई, यानी ये कंपोजिट नंबर हो गई। सिर्फ एक संख्या बची 97 जो कि प्राइम नंबर, तो ये संख्या प्राइम नंबर कहलाएगी। आप ये चाहें तो इन संख्याओं से इनकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब चूंकि ये हमने लिख दिया, ये छोटी संख्याएं थी, तो इजीली इसे हम इसके फैक्टर्स में लिख दिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं यही बात। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें भी वही बात है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं। तो इसमें एक संख्या ऐसी होगी जो भाज्य होगी, उसको खोजना है। देखिए ये इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है वो 143 और इकाई और सैकड़े के अंक का योग अगर दहाई के बराबर है तो ये संख्या 11 से कट जाती है। तो 11 गुणे 11 एकम 11 और 11 तिया 33, तो ये संख्या भाज्य निकल गई, यानी कंपोजिट नंबर निकल गई।
और यही हम लोगों को बताना है कि अभाज्य नहीं है, तो ये संख्या अभाज्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर ये हुआ। बाकी सब संख्याएं अभाज्य हैं, 83 अभाज्य संख्या है, 131 अभाज्य संख्या और 107 अभाज्य संख्या है। अब चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं, ये 107 है तो हम 10 के वर्ग में ये पा जाएंगे 100 और 100 के आसपास 107 है। फिर इसी तरह से ये 131 है तो हम 12 के वर्ग में पा जाएंगे 144 और 144 के आसपास 131 है। तो हम 12 से छोटी सारी अभाज्य संख्याओं से इनकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो 12 से छोटी अभाज्य संख्या 11 है, 7 है, 5 है, 3 है और 2 है। तो देखिए, 2 से कोई भी संख्या तभी कटेगी जब उसके इकाई के स्थान पर सम संख्या हो, 3 से तभी कटेगी जब अंकों का योग 3 से कटने वाला हो, 5 से तभी कटेगी जब इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। तो यहां से यहां तक कोई संख्या कटने वाली नहीं है, ये दिख रही है। अब 7 से चेक करेंगे तो भाई देखिए, 7 में एक बार ले जाएंगे तो ये 13 हो जाएगा, नहीं कटेगा। ये 51 हो जाएगा, नहीं कटेगा। ये 37 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो 7 से भी नहीं कटा, 11 से ये नहीं कटेगा। तो ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, केवल 143 एक ऐसी संख्या मिली जो भाज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में यहां से यहां तक देखें हम लोग तो ये 433 है, यानी हम 21 के वर्ग के पास में देख सकते हैं। 441 21 का वर्ग होता है तो ये 433 है अधिकतम, इसको छोड़ करके। तो हम 21 से छोटी सारी संख्याओं से चेक कर सकते हैं भाई, 21 से छोटी 19 है, 17 है, 13 है, 11 है, 7, 5, 3, 2, इनसे हम लोगों को डिविजिबिलिटी चेक करनी। अब 381 को हम लोग देख सकते हैं, 8, 3, 11, 1, 12, तो इसके अंकों का योग 12 हो गया, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो ये 3 गुणे हो गया, 3 एकम 3 और 27 तिया 81, ये देखिए 3 एकम 3 हो गया और 27 तिया 81, 3 दूना 6, 3 गुणे 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 नवा 3 सात 21, 127। इसी तरह से ये 323 है तो 323 को हम लोग लिख सकते हैं 17 गुणे 19, ये 17 से कट जाएगी और 19 से भी कट जाएगी। 433 किसी से नहीं कटेगी और 1463 देखिए, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 7 से कट जाएगा। तो 7 दुनी 14 और 7 नवा 63, ये 7 से कट गया। तो इसका सही उत्तर ये हो गया, 433 एक संख्या है जो कि अभाज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिया है कि 161, 221, 373 और 437 के बारे में बताना है कि कौन संख्या भाज्य है। तो देखिए, 437 है, इसका मतलब कि हम लोग 21 के वर्ग में जाएं तो 441 होता है, यानी 21 से छोटी, तो 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2, इनसे हम लोगों की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो 161 देखिए, ये 161 को ये 7 से कट जाएगा, 7 गुणे 23 कट गया। 221 देखिए, 2 2 4 1 5, तो ये 221 3 7 21 ये 13 गुणे 17 से कट जाएगी। देखिए 13 में 13 है कम 13 हो जाएगा और 13 7 91, 373 चेक करें, 3 3 6 और 7 6 13, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 7 से
नहीं कटेगा, 11 से 33 चार नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 19 से नहीं कटेगा। अब 437 को देखते हैं, अगर 437 कट गया तो इसका मतलब यही 373 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 437 के बारे में देखते हैं, 437 19 से कट जाता है 23 बार में, इसका मतलब 373 जो है प्राइम नंबर है, इसका सही उत्तर 373 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए, यहां पर जो सबसे बड़ी संख्या है वो 231 233 इस तरह से। तो अगर हम लोग 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये 225 आता है, इसी के आसपास है। तो 15 से छोटी सारे प्राइम नंबर, तो 15 से छोटा प्राइम नंबर 13 है, 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। अब इनसे हम लोगों को डिविजिबिलिटी चेक करनी है। देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 2 5 1 6 ये 3 से कट जाएगा, तो 3 7 21 और 3 7 21 ये कट गया। 233 नहीं कटेगा, ये देखिए 13 9 17 से होता है और ये होता है 13 × 17 × 13 ये कट जाएगा। तो 233 एक ऐसी संख्या है जो कि वो किसी से, यानी 13 7 11 7 5 3 2 में से किसी से ये डिवाइड नहीं हो रही है। तो जब ये किसी से डिवाइड नहीं होगी इसका मतलब ये एक से हो सकती है और खुद से हो सकती है, तो इसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के केवल दो फैक्टर होते हैं और उनको कैसे चेक करते हैं ये हम लोगों को इसी मेथड से इसे फॉलो करना होगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अभाज्य संख्याओं को कैसे हम लोग पहचान करेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं कंपोजिट और प्राइम नंबर पर बेस्ड और दूसरे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार।